हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खट्टी मीठी किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। आम का सीज़न है और आम के सीज़न में आम की खट्टी मीठी चटनी ना बनाई जाए तो मज़ा ही क्या है। चलिए बनाना शुरू करते हैं आम की खट्टी मीठी चटनी। यहाँ पर मैंने अध पके कच्चे आम लिए हैं, इनको अच्छे से धो लें और क्लीन कर लें। अब हम सारे आम का छिलका निकालेंगे। ये देखिए, ये अधपके आम हैं जो थोड़े पीले हैं, ना बहुत मीठे हैं ना ही बहुत खट्टे हैं। अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। सभी आमों को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। अब एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें कद्दूकस किए हुए आम को डालें। अब हम आमों को 2 मिनट तक भुनेंगे। यहाँ पर आप गैस स्लो कर दीजिए ताकि आम चिपके नहीं और आम का जो फ्लेवर है वो अच्छे से निकल कर के आए, इसीलिए हम इसको 2 मिनट तक धीमी आंच पर भुनेंगे। लगातार इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये चिपक जाएगा। अब 2 मिनट के बाद इसमें हम चीनी डालेंगे। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से पका लीजिए। ध्यान रहे कि आंच धीमे ही रहे, हम इसे धीमे आंच पर ही पकाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट बाद चीनी अच्छे से पक गई है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लीजिए। अब सिर्फ 2 मिनट ही इसे भुनना है। 2 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए। आपकी आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। तैयार है आम की मसालेदार चटाकेदार चटनी। आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी।